अजमेर में भीषण गर्मी और लू के थपेड़े आम जनता को खासे परेशान कर रहे हैं। रोज़मर्रा का जनजीवन इस गर्मी ने अस्त व्यस्त कर दिया है और बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। दिन का तापमान 45 डिग्री के करीब चल रहा है तो वहीं रात का तापमान 33 तक पहुंच गया है। ऐसे में सुबह 9 बजे बाद घर से निकलना दूभर हो गया है। फुटकर कमाई करने वाले और ठेला लगाकर गुजर बसर करने वाले लोगों के साथ भारी परेशानी खड़ी हो रही है। गर्मी के इस मौसम में जहां पर्यटक स्थल सूने पड़े हैं तो वहीं सड़कें भी खाली नजर आ रही है। अस्पताल व अन्य क्षेत्रों में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जिनकी हालत भी इस भीषण गर्मी में गंभीर बनी हुई है। इस गर्मी के मौसम में सभी तरल पदार्थ का सेवन करने को मजबूर है और मजबूरी बस घर से बाहर निकल रहे हैं। मैं गोटन से आया हूँ। आज भी टेम्परेचर 42 से अभव है और कल भी इतनी गर्मी थी और आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी से बहुत कठिनाई हो रही है और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और पक्षियों की परेशानी हो रही है और इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पानी की वो लगवाए और जितना हो सके सबकी हेल्प की अभी, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं और स्टूडेंट भी बहुत परेशान हो रहे हैं गर्मी के कारण। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है जितना हो सके स्टूडेंट के लिए भी हेल्प करें और बस यही। क्या मानते हैं कि अभी 45 अबव हो रहा है? हाँ जी, 40 आज 45 से अबव है और बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। किस तरीके से अपना बचाव कर रहे हैं? बस यही कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी जितनी चिल्ड हो वो भी ले लेके वही दिन निकाल रहे हैं आज। तो यही, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर आए हम। आपका मेरा नाम दीपक चौधरी।